मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल द हिमालयन फेरिया में। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज अपने व्लॉग में जो दिखाने वाली हूँ वो आप सभी को भी बहुत पसंद आने वाला है। पसंद तब आएगा फ्रेंड्स जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। दोस्तों, प्लीज वीडियो को स्किप मत किया करो, उसको शुरू से लास्ट तक देखा करो। और चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे मुझे भी आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती रहती है और आप सभी तक भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स पहुँचते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज उतर रहे हम अपने गाँव। मैं जब अपने गाँव से बगीचे चढ़ी थी उसका एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप सभी मेरे चैनल में उसको देख सकते हैं। साथ में जो आज मैं जा रही हूँ अपने गांव वापस को उतर रही हूँ। वैसे जो पहाड़ों में अगर हमने कहीं चढ़ना है तो भी बहुत सारे रास्ते होते हैं और कहीं उतरना है भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो ठीक वैसे ही मेरे गांव को उतरने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। और आज अमीषा और मैं हमारे बचपन की कुछ यादें हैं उसको ताज़ा करने उस जगह लेके जा रहे हैं आप सभी को, और वहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा मोटा पिकनिक करेंगे। और साथ में जो प्रकृति है, जो वातावरण है, जो हमें समय मिला है ये इस तरह इस चीज़ों को स्पेंड करने का, हो सकता है आने वाले टाइम में जो आपको मेरे आसपास ये जंगल दिख रहा है ये भी ना हो। आने वाली पीढ़ियां हमें, पहले की जो पीढ़ियां थी वो हमें बताती थी कि यहाँ जंगल था, यहाँ पानी था, यहाँ वो था, आज कुछ भी नहीं है। वैसे ही हो सकता है ये कुछ भी ना हो कल, तो हम इसी चीज़ को आज इंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि जो किन्नौर के गाँव हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे सटे हुए हैं। और साथ में आप सभी को दिखाएंगे कि हम थोड़ी देर जो भी टाइम स्पेंड करेंगे वो कैसे करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चले। फ्रेंड्स देखिए, ये गाय बिल्कुल भी नहीं डर रही है, बहुत पहले से ही इसने हमें देखा। चलिए चलिए भागते हैं, अब हम फटाफट से भागो, अभी यहाँ से जाएगी। चल आजा, ये देखिए फ्रेंड्स, आजा, ये आनी रही है। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे ना जो लाल मिट्टी है वो ऐसे निकालते हैं, ये देखिए किसी ने यहाँ पे लाल मिट्टी निकाल के रखा है। आपके पास नहीं आ रही है ना ये, चलो देखो। ये देखिए भाग गई। हो देखिए फ्रेंड्स, ये है लाल मिट्टी, ऐसे निकालते हैं यहाँ पे ये लाल मिट्टी, ये लिपाई के लिए काम आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रास्ते में दिखा, मैंने सोचा आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, उस जगह पे फाइनली पहुँच ही गए हैं। वैसे तो वो थोड़ा सा नीचे है वो जगह, पर यहाँ से भी वो जो व्यू है ना वो थोड़ा सा नज़ारा आ ही जाता है। यहाँ से नीचे ना ऐसा भयंकर ढांग है ना फ्रेंड्स, अगर पैर गया ना इधर से नीचे तो सीधा नीचे NH5 है, रोड है NH, तो वहाँ तक ना हम रुकेंगे भी नहीं। और साथ में देखिए यहाँ पे ये सामने वाला गांव कैसा लग रहा है, काफ़ी नीचे लग रहा है। इस गांव के बारे में भी बताऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, देखो कैसे आपसे, तो जो हिमाचल के लोग होते हैं ना, मैं किन्नौर के लोग नहीं बोलूंगी, पूरे ही जो हिमाचल के लोग होते हैं ना उनके अंदर एक खतरनाक पैदाइशी वो होता है, मतलब कि वो पता है पहाड़ों में ना एकदम ऐसे चढ़ते हैं जैसे बंदर होते हैं ना, उनके अंदर वो चीज ना ऐसे आ जाती है, मतलब क्योंकि पहाड़ों में रहने के कारण। तो मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटी दिखाऊंगी, जो पेड़ है मैं इस पर चढ़ के दिखाऊंगी आप सभी को। मैं ना बचपन से ही ना पेड़ों में चढ़ने के लिए एक्सपर्ट हूँ, और उसी एक्सपर्ट बनने के कारण मेरे ये दोनों हाथ दो दो बार टूट चुके हैं, और उसी का नतीजा जितने सारे दवाइयाँ खाती रहती हूँ मैं। आपको यही सलाह दूंगी कि आप बिल्कुल मत करना, जिनको इस ये काम करने का आदत है उन्हीं को करना चाहिए। मैं यहाँ बैठने वाली हूँ, काफी अच्छा है बैठने के लिए। क्या मजेदार है देखिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको अब यहाँ से मैं व्यू दिखाती हूँ, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। देखो आप, वो जो रास्ता है ना
वो देखिए वहाँ से हम दोनों यहाँ 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 और यहाँ आ गए, और ये जगह काफ़ी अच्छा लग रहा था। अमीशा थक गए हैं, और ये देखिए वाह, अब यहाँ पे हम क्या इंतज़ाम करेंगे। देखिए आप यहाँ देखिए, ये है पानी, पानी लाना पड़ा क्योंकि यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, और साथ में थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हैं और थोड़ा बहुत प्रबंध है अपना। यहाँ हम बॉनफायर करेंगे, और भूख भी लगी है, थोड़ा कुछ बनाएंगे। और ये आपको थोड़ा दिखाती हूँ व्यू, धूप के कारण ना फ्रेंड्स ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसे ख़राब मौसम, और वैसे कल मौसम ख़राब भी होना है तो उसका अभी से ही दिख रहा है हमें। देखिए बादल अभी आते जा रहे हैं, तो ये जगह काफ़ी काफ़ी सुंदर लगा हमें। यहाँ से तो देखिए वो वाला टावर भी इतना नज़दीक दिख रहा है। और आप ये देखिए समीशा, ये इनसे निकल नहीं रहा फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। हटो मत करो, इतना मेहनत मत करो। अरे क्या पागलों की तरह खींच रहे हैं, कहीं और चलते हैं। चलो कैसे निकलेगा, देखते हैं। पीछे गिर जाएंगे आप इतना जोर लगाओगे तो। देखिए फ्रेंड्स इसने राउंड राउंड घुमाया और ये निकल गया। क्या बहुत निकालती है इस हिसाब से। देखिए हमने आग जला दिया, नीचे से ऐसी ऐसे लक्कड़ डाला जो बिल्कुल एकदम से जल जाए, बिल्कुल पतली पतली सी। फिर ऊपर से अब हम ये बड़े बड़े डाल रहे हैं ताकि कोयला बने ऐसे करके। तभी हमने ऐसे सूखी लकड़ियाँ ढूंढी, अगर गीली लकड़ियाँ लेके जाओगे कहीं हाइट में आग जलाने के लिए तो आग नहीं जलेगा। और साथ में मुझे लगता है कि ये जो इसको संग बोलते हैं किन्नौरी में, ये इसके साथ साथ क्या बोलते हैं मिट्टी तेल होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हो जाता है कि गीले हो जाते हैं तो आग जलता नहीं है, मिट्टी तेल से ऐसा होता है कि फिर जल ही जाता है आग, इसलिए आग जल गया। बहुत कम लकड़ियाँ हैं हमारे पास इसलिए हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। वो वहाँ देखिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अरे इसको ये टिकता नहीं है, इसको टिकाना पड़ेगा। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जंगल में हो चाहे घर में हो, इसलिए हाथ धो रहे हैं। देखिए अब ये चढ़ा दिया है पानी जल्दी जल्दी, और मैगी इसमें डाल देते हैं। ये दुआ का क्या रहता है ना फ्रेंड्स, दुआ जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ मतलब ये आता जाता रहता है। लंबे लंबे नहीं बनाएंगे हम, पूरे टुकड़े कर देंगे ताकि जल्दी पके। मसाला डाल देते हैं, बिना मसाले की तो स्वाद भी नहीं आता। हमने यहाँ पे आग जला के ये बना दिया, अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि पका है या नहीं। वैसे ना मुझे मैगी कच्चा पसंद नहीं है, मतलब थोड़ा अच्छा पका होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। ये चम्मच इतना गर्म हो गया, मुझे इससे पकड़ना पड़ रहा है। साथ में ये नज़ारा देखिए आप, एकदम टेस्टी। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, बहुत गर्म है। अब अमीशा और हम इसको खाते हैं, फिर आपको आपसे फिर मिलेंगे। इसको पहले खा लेते हैं, इसमें नहीं खाएंगे, प्लेट में लगा के खाएंगे।
सीधा कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा हिमाचल और किन्नौर की इन सुंदर सुंदर पहाड़ों में और इस सुंदर से प्रकृति के बीच में बैठ करके ये मैगी खाना बहुत अच्छा, मतलब दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लाइफ में कभी ऐसी ऐसी चीज़ें भी करने चाहिए जिससे हमें दिल को बहुत खुशी मिले, तो हमें तो बहुत खुशी मिल रही है आज। कोई कैमरा पकड़ने वाला तो है नहीं हम दोनों बहनों के अलावा, देखिए फिर ये अकेले खा जाएंगे, इसलिए मुझे ये वीडियो बंद करना पड़ेगा। ये सारा खा जाते हैं, ये तो मुझसे भी छीन छीन के खा लेते मेरे चीजें। हाँ तो मुझे पूरा बुक कर दो। तो आप करते तो है। पेड़ है ना, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो तो आज के समय में हम समझ सकते हैं जब पूरी दुनिया को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसलिए प्रकृति को हमेशा प्यार करना चाहिए। देखिए पेड़ हमें इतना अच्छा वो करते हैं, तो इनको एक मतलब हग करो। हम इंसान को तो हग करते हैं, ये इनमें भी जान होता है, इनको महसूस होता है, तो हमेशा हमने पेड़ों को, मैं तो अपने सेब के पेड़ों को भी हग करती हूँ क्योंकि वो इतना फल देते हैं जिस कारण हम अपने बहुत सारी चीज़ें होते हैं वो पूरा कर पाते हैं। तो बस यही मैं आपको बता रही थी कि ऐसा हमें करना चाहिए। फ्रेंड्स और एक बहुत पुरानी चीज़ आपको इस गांव की दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए। इस जगह का नाम भी छस्तेनुदेन है, मतलब छस्तेन मतलब बौद्ध जो परंपरा के हिसाब से एक छस्तेन होता है छोटा सा, जहाँ पे बड़े बड़े जो लामा होते हैं उनको जलाया जाता है और किसी पॉजिटिव वे से भी बनाया जाता है, ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। ये है काफ़ी पुराना, ये 100-200 साल तो पुराना डेफिनेट होगा, और तभी इस जगह का नाम भी छस्तेनुदेन पड़ा क्योंकि ये बना था। और ये नीचे गाँव से ना बहुत सुंदर दिखता है, तो चलिए मैं इसके अंदर ले जाती हूँ आपको कि अंदर कैसा दिखता है। मैं आपको बोल रही हूँ 100-200 साल पुराना है, ये मुझे पूरा अनुमान नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ शायद ही, क्योंकि मेरी मम्मी जो मेरे दादा दादी वो तक बताते हैं इसका मतलब इतना पुराना होगा ही ये। तो यहाँ देखिए हमेशा तो पहले ही एडवांस में अंदर जा चुके हैं, ऐसे जगहों पे खासकर जूते चप्पल उतार दिए जाते हैं। छस्तेन मतलब बहुत पवित्र जगह माना जाता है बुद्ध धर्म के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर हमने जो जूते हैं वो उतार दिए हैं। तो अब यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ से देखिए गांव कितना सुंदर दिखता है। और आपको मेरा घर दिखा देती हूँ, यहाँ से आपको पता नहीं दिखेगा, जूम करके आप दिखाती हूँ। वो देखिए वो नीचे अकेला सा घर, वो नीचे सबसे लास्ट सा अकेला सा घर वो मेरा घर है, और उसके नीचे देख सकते हैं आप बहुत सुंदर सुंदर खेत खलियान है गांव के लोगों के। ये कुछ इस तरह दिखेगा यहाँ से, और सतलुज भी यहाँ से बहुत क्लियरली दिख सकता है। मेरे पिछले वीडियो में आपने जो देखा जो ट्रिप था, मतलब कि जो ट्रिप जैसा ही था, मतलब ऐसे गए थे हम लोग काम से टापरी, तो उसका मैंने वीडियो बनाया था। वो जो पुल था ना, वो पार वो वाला पुल था, कोई मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि शोंगथांग ब्रिज है, नहीं वो शोंगथांग ब्रिज नहीं था, वो छोलतू वाला था पुल वो आगे। तो हमेशा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठ के? यहाँ पे बैठ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये फ्रेंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा वही प्लेस है, यहाँ पे बैठ करके हम पहले यहीं पे बैठ करके बहुत लंबी लंबी चर्चाएं करते थे। हम वहाँ से आते थे फिर यहाँ बैठते थे, तब तो फोन का जमाना था नहीं, तब तो हमारे पास फोन भी नहीं होता था, और यहाँ बैठ करके हम बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं करते थे। और यहाँ पे चर्चा करने का पता है फ्रेंड्स एक वो क्या था, यहाँ पे बैठ के ना मतलब इतना कुछ दिखता है, बहुत मतलब बहुत दिल को बहुत अच्छा लगता था। और घंटों और यहाँ पे आप मतलब बैठे रहोगे ना, आपको 3-4 घंटे तो कैसे जा रहे पता ही नहीं चलेगा। और उस वक्त जैसे अमीशा बोल रही है कि हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं होता था, तो फिर हम यहाँ पर ऐसे ऐसे करके टाइम पास करते थे और ऐसे घूमने आते थे यहाँ। ये देखिए ये काफ़ी पुराना छस्तेन है, ये देखिए काफ़ी पुराना हो चुका है और काफ़ी
अच्छा दिखता है दिखने में भी। पहले पहले के टाइम में ऐसे पत्थर पत्थर के थ्रू ऐसे बनाया जाता था, छत भी इस तरह लगाया जाता था। और यहाँ से यहाँ को देखेंगे तो फिर से ये नज़ारा, दोस्तों आज आपने मेरे साथ देखा कैसे अमीषा और मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए अपने गांव के जब वापसी को जा रहे थे तो कुछ रास्तों में हमारी पुरानी यादें रह गई थी, उन यादों को हमने ताज़ा किया, साथ में इस प्रकृति का भी आनंद लिया, साथ में मैगी बनाया, भूख लगी थी वो भी खाया हमने, और साथ में आप सभी को मैंने अपना गाँव दिखा दिया, थोड़ा बहुत दिखा दिया, और घर भी दिखा दिया, घर काफ़ी नीचे है मेरा। और फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगले किसी मेरे वीडियो में, अगले किसी टॉपिक में, मेरे जीवन के अगले किसी नए हिस्से में, किस्से में। आप हिमालयन फेरिया को जरूर देखते रहना, ऐसे ही प्यार करते रहना। फिर मिलेंगे, बाय बाय दोस्तों।